अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम हबीब रहमान बेग है। आज की वीडियो का टॉपिक है कंसंट्रेटेड सोलर पावर। आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर इस साल 10,000 मेगावाट से ज्यादा लोगों ने अपनी छतों के ऊपर सोलर पावर के सोलर फोटोवोल्टाइक जो मॉड्यूल्स हैं वो लगाए हैं, ठीक है जी। पीवी मॉड्यूल्स भी इसको बोलते हैं। लेकिन रात के टाइम आपको ये प्रॉब्लम होती है कि रात को आपको बैकअप के लिए बैटरीज लगानी पड़ती है, और बैटरीज दो तरह की होती है जो लोग लगाते हैं। एक होता है लिथियम बैटरी, जो कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होती है, और दूसरी बैटरीज होती है ट्यूबुलर बैटरी। ट्यूबुलर बैटरी जो होती है उसकी लाइफ तकरीबन 1.5 से 2 साल होती है, और लिथियम की बैटरी की जो लाइफ है वो 5 से 10 साल होती है। लेकिन दूसरी तरफ ये प्रॉब्लम है कि जो लिथियम बैटरी है वो एक्सपेंसिव बहुत ज्यादा है, 4 से 5 लाख रुपए की बैटरी है, और वो बैटरी सिर्फ 1 घंटा एसी चला सकती है। अगर आपने 10 किलोवाट का एक सोलर सिस्टम लगवाया हो, साथ एक बैटरी लगाई हो, तो 1 घंटा मैक्सिमम आपको वो बैकअप देती है। लेकिन रात के टाइम अगर आपने सोलर पावर एट नाइट करनी है, यानी रात के टाइम आप चलाना चाहते हैं सोलर, तो उसके लिए क्या हल है? फिर इसके अलावा अगर आपकी कोई फैक्ट्री है जो 24 घंटे चलती है, तो दिन के टाइम तो आपने सोलर के ऊपर से कन्वर्ट कर लिया, लेकिन रात के टाइम आप क्या करेंगे? उसके लिए सोल्यूशन ये आपको नजर आ रहा है, ये सोल्यूशन आपको नजर आ रहा है, ये दुबई के अंदर एक सेटअप हुआ है, और दुबई के अंदर ये इन्होंने लगाया सोलर पावर एट नाइट के लिए कंसंट्रेटेड सोलर पार्क। कंसंट्रेटेड ये आपको नजर आ रहा है। इसमें ये होता है कि हजारों के हिसाब से छोटे छोटे शीशे होते हैं। ये शीशे जो आपको नजर आ रहे हैं, ये स्मॉल शीशे होते हैं जिसका जो रुख है ना वो एक टावर की तरफ होता है। ये टावर आपको दरमियान में नजर आ रहा है, ये टावर जो है इसके ऊपर ये तमाम शीशे जो है इसके ऊपर रोशनी, चूंकि सूरज की पड़ती है और सूर्य की रोशनी से ये चमकते हैं। जब ये चमकते हैं और चमकने के बाद ये टावर के ऊपर जाके सारी लाइट कंसंट्रेट होती है, इसे कहते हैं कंसंट्रेटेड सोलर पावर। तो यानी कि सारी जो रोशनी है, सारी जो एनर्जी है, वो एक पॉइंट के ऊपर कंसंट्रेट होती है टावर के ऊपर जाके, और टावर इतना ज्यादा गर्म हो जाता है कि उससे फिर हीट प्रोड्यूस होती है, जो गर्मी पैदा होती है उससे पानी बॉयल हो जाता है, और पानी बॉयल होने के बाद फिर टर्बाइन चलती है। इन्होंने जो टर्बाइन लगाई है वो ये टर्बाइन आपको नजर आ रही है। टर्बाइन बेसिकली सीमेंस कंपनी की टर्बाइन है, और सीमेंस दुनिया में जर्मनी की एक कंपनी है, और दुनिया के जितने भी बड़े बड़े टर्बाइन लगे हुए हैं जो डैम्स के ऊपर, ये देखिए ये टर्बाइन है, जितने भी बड़े बड़े डैम आपको पाकिस्तान के नजर आते हैं, तरबेला डैम नजर आता है आपको, ये वाली टर्बाइन है, मंगला डैम है, तरबेला डैम है, और नीलम झेलम के अंदर टर्बाइन लगी है। ये ज्यादातर जो टर्बाइन है वो सीमेंस कंपनी की, या फिर आपको जनरल इलेक्ट्रिक ऑफ अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक की टर्बाइन होती है, या सीमेंस कंपनी की टर्बाइन होती है, तो उन्हीं टर्बाइन से बिजली पैदा होती है। अब ये इसमें ये जो सिस्टम है ना, ये आपको मैं दोबारा बताता हूं कि ये जो शीशे लगे हुए हैं, ग्लासेस आपको नजर आ रहे हैं, ये हजारों के, ये दुबई के अंदर सिस्टम इन्होंने किया है, हजारों के हिसाब से ये ग्लासेस हैं, ये वाले जो नजर आ रहे हैं हजारों ग्लासेस हैं जिसके ऊपर सूरज की रोशनी पड़ती है, और दरमियान में एक टावर आता है, टावर के ऊपर आके कंसंट्रेट होती है सारी की सारी लाइट, और वो गर्मी इतनी ज्यादा होती है उससे टेम्परेचर जो 500 से लेकर 1000 डिग्री तक चला जाता है, और उसके अंदर बाद में एक मोल्टन साल्ट नामी एक केमिकल होता है, मोल्टन साल्ट यानी एक नमक होता है जो कि पिघला हुआ होता है, उसको पिघलाया जाता है 500 से लेकर 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक। उसको पिघलाने के बाद उसको पाइपों के अंदर चलाया जाता है, ये जो पाइप्स आपको नीचे नजर आ रहे हैं, इन पाइप्स के अंदर से वो चलता है, चलते चलते पानी को वो गर्म करता है, मोल्टन साल्ट जो है वो वाटर को गर्म करता है, फिर वो सीमेंस कंपनी की टर्बाइन जो है वो चलती है, और चलने के बाद वो बिजली पैदा करती है। अब ये वाला जो सिस्टम है ना, ये रात के टाइम भी काम करता है, क्योंकि दिन के टाइम जो उन्होंने कंसंट्रेटेड जो मिरर्स हैं उनके जरिए से जो बिजली या गर्म कर दिया, मोल्टन साल्ट को गर्म कर लिया, वो रेजरवायर के अंदर गर्म ही रहता है पूरी रात, पूरी रात वो जो मोल्टन साल्ट है वो गर्म रहता है, वो ठंडा नहीं होता उसके अंदर कैपेबिलिटी। इसके अंदर 3 कंपोनेंट्स होते हैं सोलर जो कंसंट्रेटेड सोलर पावर है ना, इसके अंदर 3 कंपोनेंट होते हैं। नंबर 1 सोलर कलेक्टर मिरर्स, ये जो मिरर्स आपको नजर आ रहे हैं ये बड़े बड़े मिरर्स हैं, बड़े बड़े शीशे हैं, इसके ऊपर सूर्य की रोशनी पड़ती है और बाद में एक टावर के ऊपर रोशनी पड़ती है, ये मिरर है। दूसरा जो है थर्मल स्टोरेज सिस्टम, थर्मल स्टोरेज सिस्टम में 2 चीजें आती हैं, एक ऊपर जो ये आपको टावर नजर आ रहा है जो चमक रहा है व्हाइट कलर का, ये चमक इसलिए रहा है कि इसके ऊपर सूरज की रोशनी जो कि मिरर पे पड़ी, मिरर वालों ने फिर इसके ऊपर डाली और ये चमक रहा है। ये कलेक्टर मिरर यानी कि थर्मल स्टोरेज सिस्टम है, इसके अंदर ये जो नीचे पाइप है इसके अंदर मोल्टन साल्ट होता है जो कि पिघला हुआ साल्ट होता है, और वो स्टोर करता है इस गर्मी को जो कि पूरी रात यानी सुबह से लेकर शाम तक
जो सूर्य की रोशनी इन मिरर्स के ऊपर पड़ती है वो टावर में जाती है, टावर से नीचे मोल्टन साल्ट पे जाती है और वहां जाकर स्टोर हो जाती है, और पूरी रात उसका जो टेम्परेचर है ना वो जब सूर्य बंद भी हो जाता है, यानी सूर्य नहीं होता, इवन देन उसका टेम्परेचर 500 से लेके 1000 डिग्री तक रहता है मोल्टन साल्ट का, और उससे फिर टर्बाइन चलती है, यानी कि आम टर्बाइन जैसे आपको डैम्स के अंदर टर्बाइन आपको नजर आती है या और भी जहां जहां पे भी टर्बाइन यूज होती हैं, तो टर्बाइन का तरीकाकार यही होता है। इवन ये जो थर्मल पावर प्लांट लगे हुए हैं जो पेट्रोल से चलते हैं उसमें भी यही होता है कि वो गर्म करते हैं पानी को पहले और पानी को फिर घुमाते हैं और उससे टर्बाइन चलती है। न्यूक्लियर से भी यही होता है, आप थर्मल जो पेट्रोल से या डीजल से या फॉसिल फ्यूल से फर्नेस ऑयल से जो बिजली पैदा होती है उसमें भी टर्बाइन चलती है और इसमें भी टर्बाइन चलती है। अब ये मैंने आपको बता दिया, ये एडवांटेज इसका सबसे मेन ये है कि जब सन शाइन नहीं हो रहा होता, दिन के टाइम जब सूरज निकल रहा होता है तब तो ठीक है, सोलर के जो फोटोवोल्टाइक जो मॉड्यूल्स होते हैं जो आमतौर पर सोलर पैनल हम छत पे लगाते हैं वो काम करते हैं, लेकिन रात पे काम नहीं करते। रात के टाइम के लिए ये एक नई इन्वेंशन आई है जो कि मोल्टन साल्ट को गर्म रखती है पूरी रात और उससे फिर हम अपनी टर्बाइन चला के बिजली पैदा करते हैं। और ये कहाँ कहाँ पे लगे हुए हैं ये भी मैं आपको बता दूं, इस वक्त ये सिचुएटेड है स्पेन के अंदर, अमेरिका के अंदर, चाइना के अंदर, इंडिया के अंदर, सऊदी अरेबिया के अंदर, दुबई के अंदर और साउथ अफ्रीका के अंदर। अब जरूरत इस समर की है कि पाकिस्तान के अंदर भी इस तरह की अगर आईपीपीज भी लगाने हैं तो इस तरह के आईपीपीज हों या फिर जिनकी फैक्ट्रीज बड़ी हैं। फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर इधर पाकिस्तान के अंदर बड़ी बड़ी सीमेंट की इंडस्ट्रीज हैं, पाकिस्तान के अंदर बड़ी बड़ी टेक्सटाइल मिल्स हैं, पाकिस्तान के अंदर बड़ी बड़ी ये जो गाड़ियां बनाने की कंपनीज हैं, पाकिस्तान में बड़े बड़े मोटरसाइकिल बनाने की कंपनीज हैं, प्लास्टिक के इक्विपमेंट बनाने की कंपनीज हैं, पाकिस्तान के अंदर मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर हैं, उन सबको चाहिए अपनी बिजली पैदा इस तरीके से करें कि कंसंट्रेटेड सोलर पार्क बनाएं दुबई की तरह के, जैसे ये दुबई ने 900 मेगावाट का एक सोलर पार्क दुबई के अंदर बना दिया है और उसके अंदर सीमेंस की उन्होंने टर्बाइन लगा दी है और यह सारा सिस्टम किया। अगर आप पाकिस्तान में भी करते हैं ना, जितनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, वहां पे इस तरह के कंसंट्रेटेड सोलर पार्क पावर पार्क अगर आप लगा देते हैं तो बिजली बहुत ज्यादा पैदा होगी और कंपैरेटिवली सस्ती होगी। इस वक्त प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त तक चूंकि ये बहुत कम जगह पे लगी हुई है तो इसलिए इसकी प्राइस कंपैरेटिवली आम जो सोलर पैनल है उनसे ज्यादा है, लेकिन जैसे ही 2-3 साल या 4 साल गुजरेंगे, 2027-28 तक आप देखेंगे जो सोलर पैनल इस वक्त आपको 35 रुपए या 34 रुपए पर वाट मिल रहे हैं, एक साल पहले आपको पता 120 रुपए वाट मिल रहे थे, यानी 4 गुना नीचे आ गए। और मैं आपको दोबारा प्रिडिक्ट कर रहा हूं, जैसे मैंने पिछले साल आपको प्रिडिक्ट किया था कि सोलर पैनल 30 रुपए वाट तक आ जाएंगे, अब मैं आपको प्रिडिक्ट करता हूं कि अगले एक साल के अगले साल 2025 के एंड तक सोलर जो पैनल है वो 10 रुपए वाट तक आ जाएंगे, 10 रुपीज पर वाट, क्योंकि ये पुरानी टेक्नोलॉजी हो गई है, अब नया जमाना जो है वो कंसंट्रेटेड सोलर पावर का है जो कि मैंने आपको ये सारा दिखा दिया, या फिर विंड मिल्स का है। फ्यूचर के अंदर आपको विंड मिल्स नजर आएंगी, कराची से लेके ग्वादर तक का जितना हमारा एरिया है वहां पे विंड मिल्स ही विंड मिल्स लग जाएंगी। विंड के जरिए यानी हवा के जरिए से आप बिजली बेशुमार पैदा कर सकते हैं, कंसंट्रेटेड सोलर पावर के जरिए से आप बेशुमार बिजली पैदा कर सकते हैं और इवन वो बिजली बहुत ज्यादा सस्ती हो जाएगी। अगले 4-5 सालों में बिजली इतनी सस्ती हो जाएगी कि जैसे बाहर के मुल्कों में कई कंट्रीज हैं, जैसे स्वीडन है, वहां पे बिजली के मीटर ही नहीं लगाए हुए, उन्होंने जो किराया होता है ना, किराए के अंदर ही सारा कुछ शामिल है, बिजली, पानी, हीटिंग और केबल और इंटरनेट, ईच एंड एवरीथिंग उनके मकान के या फ्लैट के किराए के अंदर ही शामिल होता है। पाकिस्तान में भी अगले 4-5 साल में ऐसी सिचुएशन आने वाली है कि लोग जब हर घर के ऊपर सोलर पैनल लगा लेंगे तो सोलर पैनल इतने बकसरत हो जाएंगे, सोलर एनर्जी, फिर विंड एनर्जी, फिर न्यूक्लियर एनर्जी, फिर हर तरह की, इवन हमारे जो डैम्स है, भाषा डैम है वो कंप्लीट होने वाला है और 3-4 साल के अंदर 2028 से भाषा डैम कंप्लीट हो जाएगा, फिर और भी जितने भी हमारे डैम अंडर कंस्ट्रक्शन है वो भी तामीर हो जाएंगे। तो आप देखेंगे कि पाकिस्तान के अंदर बिजली सस्ती होगी इंशाल्लाह और एक्सेसिबल होगी, हर बंदे के यूज में होगी और पाकिस्तान इंशाल्लाह तरक्की करेगा, पाकिस्तान के अंदर लैपटॉप्स की फैक्ट्रीज लगेंगी पाकिस्तान। बस हमें जो निजात हासिल करनी है वो ये है कि जो भी हमारे कंट्रीज के अंदर जैसे कुछ माफियाज हैं जो अवाम को, जो सीधे साधे लोग हैं उनको लूट रही, जैसे आईपीपीज हैं या बैंक माफियाज हैं, बैंक वाले हैवी इंटरेस्ट के ऊपर कर्जे देती है और बाद में वो फिर बैंक तो फ्लोरिश करता जाता है लेकिन जो अवाम है वो गरीब से गरीब होती जाती है और बैंक जो है अमीर से अमीर होते जाते हैं। उन्होंने नाम भी डिफरेंट रख लिए हैं, कोई उन्होंने इस्लामिक का नाम रख दिया लेकिन काम वो इंटरेस्ट वाले कर रहे होते हैं।
तो अल्लाह उनको हदायत दे और जो लोग उनको हलाल करार देने की कोशिश करते हैं अल्लाह उनको भी समझ दे कि वो भी अल्लाह के साथ जंग ना करें और कुरान को समझने की कोशिश करें, कुरान जीत को तर्जमे के साथ पढ़ने की कोशिश करें। हमारे 99% लोग, इवन उलमा कराम जो है, उन्होंने भी कुरान जीत तर्जमे के साथ नहीं पढ़ा हुआ, इसलिए हम पीछे हैं। अब आप देख लें यूरोप और अमेरिका के लोग क्यों आगे हैं, वो इसलिए कि उनकी जो किताबें हैं ना, यानी उनकी तौरात है, इंजील है, जिसे ओल्ड टेस्टमेंट और न्यू टेस्टमेंट कहते हैं, उनको वो जानते हैं, उनको उन्होंने इंग्लिश में पढ़ा हुआ है, उनके बच्चे बच्चे को पता है 10 कमांडमेंट्स क्या होती है। लेकिन हमारे हालांकि कुरान मजीद में भी 10 कमांडमेंट्स का जिक्र है, जो कि तौरात में सबसे पहले 10 कमांडमेंट्स अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया था कि ये 10 अहकाम अपनी कौम के लिए लेके जाएं, अपनी कौम को बताएं ये 10 कमांडमेंट्स, वही 10 कमांडमेंट्स कुरान मजीद में भी रिपीट होती हैं। तो अगर हमें पता होगा तो हम करेंगे। इसी तरह अब 12 रबीउल अव्वल इंशाल्लाह आने वाला है, ईद मिलाद नबी आने वाली है। तो अब आप देखिए यूरोप के अंदर जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का मिलाद आता है ना, 2 दिसंबर का महीना आता है, तो पूरे यूरोप के अंदर 70% तक डिस्काउंट देते हैं वो, 70% तक हर चीज के ऊपर डिस्काउंट। ये कपड़े या शर्ट, अगर एक शर्ट 10 यूरो की है ना तो वो 3 यूरो की मिलेगी। फ्रांस के अंदर, जर्मनी के अंदर, स्वीडन के अंदर, यूके के अंदर 10 रुपए की चीज 3 रुपए की मिलेगी, 100 रुपए की चीज आपको 30 रुपए की मिलेगी। इवन जब हमारा रमजान शरीफ आता है ना, तो लंदन के अंदर, पेरिस के अंदर या यूरोपियन कंट्रीज के अंदर आप जहां मर्जी चले जाएं, आपको रमजान शरीफ के अंदर खजूरें जो है वो आधी से भी कम कीमत में मिलेंगी आपको। और भी रमजान के अंदर जो जो कुछ आप खाते हैं, आपको बेसन होता है, आपके फ्रेश जूसेस होते हैं, वो रमजान शरीफ के महीने में हमारे लिए सस्ता कर देते हैं। जबकि हमारे मुल्क के जो बहुत नेक किस्म के हाजी, नमाजी किस्म के जो बंदे लोग होते हैं, जो जखीरादोजी करते हैं, वो क्या करते हैं कि रमजान के अंदर खजूरें महंगी कर देते हैं, बेसन महंगा कर देते हैं, फल महंगे कर देते हैं, लेकिन अंग्रेज हैं वो हमारे एहतराम में चीजें सस्ती कर देते हैं। इसी तरह उनका जब मिलाद का महीना आता है, यानी दिसंबर का महीना, जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का मिलाद का महीना है, तो वो अपने मिलाद के महीने में हर चीज 70% डिस्काउंट में दे देते हैं। मैं दुआ करता हूं काश हमारे मुल्क के जो बड़े बड़े स्टॉकिस्ट हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, वो भी रबीउल अव्वल के पूरे महीने के अंदर अपनी जो भी चीजें बनाते हैं, पाकिस्तान के अंदर शर्ट्स बनती हैं, पाकिस्तान के अंदर स्वेटर्स बनते हैं, पाकिस्तान के अंदर पंखे बनते हैं, पाकिस्तान के अंदर वॉशिंग मशीन बनती हैं, पाकिस्तान के अंदर जो जो कुछ बनता है उसके ऊपर, काश अब रबीउल अव्वल का महीने बाद महीना आ जाएगा रबीउल अव्वल का, तो उसमें हर बंदे को चाहिए कि 70% तक डिस्काउंट दे। फिर हम कहेंगे कि हम भी अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, और मोहब्बत का इजहार यही है ना कि क्योंकि कहते हैं एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, सिर्फ जुबानी कलामी मोहब्बत ही होती है। अगर आपको किसी से भी मोहब्बत है, अपने वालदैन से मोहब्बत है, अपने बीवी बच्चों से मोहब्बत है, किसी से भी मोहब्बत है, तो वो मोहब्बत का इजहार का मतलब ये नहीं कि सिर्फ मुंह से बोले, बल्कि उसके एक्शन से पता चले कि वो मोहब्बत करता है। अगर हमें अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है तो हमें उनके तमाम सुन्नतों पर अमल करना चाहिए। सबसे पहली जो सुन्नत है ना वो ये है कि आप हमेशा सच बोलें। आपको अगर कोई बंदा अमानत देता है तो उसमें ख्यारा ना करें, बल्कि उसको संभाल के रखें, उसको जब उसको अमानत की जरूरत हो तो अमानत उसको वापस करें, कभी ख्यारा ना करें, नाप तोल में कभी कमी ना करें। असल सुनते ये है, नाप तोल में कमी ना करें, किसी का हक ना मारें, बहनों का हक ना मारें। वालदेन की डेथ के बाद ये ना कहे बहन को कि तुम्हें भाई चाहिए या जायदाद में से हिस्सा चाहिए। जायदाद में हिस्सा उसके अल्लाह पाक ने उसको दिया है कुरान मजीद के जरिए से, तो आपको उसको हिस्सा देना चाहिए। प्रैक्टिकली जब तक हम मुसलमान ही होते हैं, सिर्फ नाम के मुसलमान से आपको आखिरत में, ये नहीं है कि आखिरत में सिर्फ आप नाम के मुसलमान हो जाए तो आप जन्नत में चले जाएंगे। ये जो है ना, चूंकि लोगों ने कुरान जी से पढ़ा नहीं हुआ, और जो मन घड़त किस्म के किस्से लोग सुनाते हैं और पैसा कमाते हैं, स्पेशली कई ऐसे लोग हैं जो लोगों को मन घड़त किस्म की कहानियां यूट्यूब के ऊपर भी सुनाई जाते हैं, और इवन और भी मुख्तलिफ जगह के ऊपर बैठ के वो सुनाई जाते हैं झूठी कहानियां, जो कि कुरान के बिल्कुल अगेंस्ट है। कुरान में तो बेसिकली हमें बताया गया कि हम दुनिया में जो आए हैं ना, हमारा एक एक बंदा, जितने भी बंदे हैं, हम इधर एक एग्जामिनेशन पेपर में बैठे हैं और हम सब जो है इक्वली हल कर रहे हैं पेपर को। कोई गोरे को काले पे, किसी काले को गोरे पे कोई फोकियत हासिल नहीं है। हर बंदे का जो जिस्म है ना, ये उसी कार्बन से बना हुआ है। जो अरबपति आदमी या खरबपति आदमी का जिस्म जिस कार्बन से बना हुआ है, उसी कार्बन से हमारा जिस्म बना हुआ है, उसी कार्बन से ये दरख्त बने हुए हैं। और आखिरत में जन्नत और जहन्नम का फैसला उस पर होगा कि जो नेक काम करेगा, जो बुरे कामों से रोकेगा और नेक काम करेगा, अल्लाह के साथ किसी इंसान को शरीक नहीं ठहराएगा,
अल्लाह के साथ शिर्क करना दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह है, जो हमारे कंट्री में बहुत ज्यादा हो रहा है और बकसरत हो रहा है, और शिर्क को शिर्क समझते भी नहीं है लोग। वो कहते हैं जी हम तो जी मोहब्बत कर रहे हैं। भाई शिर्क कहते हैं मोहब्बत को है बेसिकली। अब आप अल्लाह से ज्यादा किसी से मोहब्बत करेंगे, अब आसमानों और जमीन का मालिक तो अल्लाह है, जो कुछ आसमानों में है जो कुछ जमीन में है सब अल्लाह की प्रॉपर्टी है। किसी और इंसान को हम ये कह नहीं सकते कि वो किसी चीज का मालिक है या वो हमारी हेल्प कर सकता है या हमें वो चीज दे सकता है। अगर हम ये समझते हैं कि ये चीज पर्टिकुलर चीज किसी और की है, तो इसका मतलब है कि आप अल्लाह की कदर नहीं कर रहे। तो ये आप ज़हन में रखिएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।